शांताकारम भुजग सैनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम वे विष्णु सर्वलोकनाथम जय श्री हरि विष्णु जय श्री राधे कृष्ण आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आइए सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत की कथा इस बार अपरा एकादशी का व्रत जो कि 15 मई 2023 दिन सोमवार को अपरा एकादशी का व्रत किया जा रहा है सबसे पहले आप सभी भक्तों को अपरा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो लक्ष्मी नारायण आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करें ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पढ़ने वाली एकादशी को इसे अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है इसे और अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे कि इसे अचला एकादशी और जल क्रीड़ा एकादशी आदि नामों से जाना जाता है जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ अपरा एकादशी का व्रत करते हैं और इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं और इस दिन भगवान विष्णु के विशेषकर त्रिविक्रम स्वरूप का, का पूजन किया जाता है तो जो भी इस व्रत को धारण करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से और धर्म शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी जो कि अपार पापों को नष्ट करने वाली है इस एकादशी व्रत के प्रभाव से गर्भपात ब्रह्म हत्या योनि झूठ बुराई व अन्य पापों से मुक्ति प्राप्त होती है तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है तो आइए सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत की कथा अगर आप अपरा एकादशी व्रत के उपलक्ष में ब्राह्मण दक्षिणा अन्नदान वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ से गूगल पे फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत की कथा तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय माता लक्ष्मी की जय एकादशी माता की जय सर्व देवी देवता की जय बहुत समय, समय पहले की बात है कि एक, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कर उनसे निवेदन किया और कहा कि हे मधुसूदन अब आप कृपा करके मुझसे मास की एकादशी का नाम और महात्मा का वर्णन मुझसे कीजिए क्योंकि मेरे उसको सुनने की महान इच्छा है पांडु नंदन के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है क्योंकि यह अपार पापों को नष्ट करने वाली है इस एकादशी का व्रत करने वाले को ब्रह्म हत्या भ्रूण हत्या गोत्र हत्या मित्र हत्या पर निंदा पर स्त्री रमण का पाप तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं झूठी गवाही देने का पाप झूठा चिकित्सक बन, बन रोगियों को मारने का पाप तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप अपरा, अपरा एक, एक आदसी आदसी का व्रत करने ऐसी निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं जैसे कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने का जो पुण्य फल होता है एवं माघ मास में प्रयाग जी में त्रिवेणी स्नान एवं वेणी माधव के दर्शन करने का जो पुण्य फल होता है तथा फाल्गुन मास में शिवरात्रि व्रत करने एवं काशी जी में भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करने का जो पुण्य फल होता है वह सब पुण्य फल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से होता है गया जाकर पितरों को पिंड दान करने का जो महान पुण्य फल होता है एवं सिंहस्थ गुरु में गोमती स्नान का जो पुण्य फल होता है और कुंभ में केदार दर्शन का जो महान फल होता है तथा स्वर्ण दान अश्वदान गजदान भूमिदान विद्यादान अन्नदान कन्यादान इत्यादि महादानों का जो फल होता है वह महान पुण्य फल केवल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से होता है यह पापरूपी वृक्ष को काटने के लिए अत्यंत ही पैनी कुल्हाड़ी है और कष्ट रूपी समूह के लिए अग्नि और महान पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए भगवान भुवन भास्कर का दिव्य प्रकाश है कहने का तात्पर्य यह है कि अपरा के समान पापों को नष्ट करने वाला कोई भी पुण्य फल नहीं अतएव पापों को नष्ट करने की कल्पना करने वाले एवं अक्षय पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखना अत्यंत ही आवश्यक अप्रारा है अपरा की अवहेलना करने वाले प्राणियों को कहीं भी त्राण नहीं मिलता उसका जीवन निरर्थक ही रहता है इसके विपरीत अपरा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति के बाद अंतकाल में परलोक की प्राप्ति भी होती है राजन आप तो स्वयं सर्व व्यापक अंतरयामी जन मनोरंजन दुख विभंजन आदि पुरुष हैं। आपको क्या यह व्रत तो मैंने आपको लोप उपकार के लिए सुनाया है इसके पढ़ने एवं सुनने से ही लोग पापों से मुक्ति पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था उसका छोटा भाई वज्र ध्वज बड़ा ही क्रूर अधर्मी तथा अन्यायी था वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से निकल रहे थे उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उसे उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अचला यानी कि अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए उसका पुण्य उस प्रेत को अर्पित कर दिया इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ अपरा एकादशी का व्रत करते हैं, उनके अपार पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय माता लक्ष्मी की जय एकादशी माता की जय भगवान श्री कृष्ण की जय सर्व देवी देवता की जय जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि दसवीं के दिन से ही व्रत में नियम का पालन करना चाहिए दसवीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए और रात्रि में एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए सोना चाहिए दसवीं की रात्रि एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु हे माता लक्ष्मी आज मैं एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे की मेरे सभी प्रकार के पापों का नाश हो मेरे दैहिक दैविक और भौतिक सभी पाप और ताप नष्ट हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो आपके मन में जो भी इच्छा हो जो भी कामना हो वह भगवान विष्णु से कहे और एकादशी तिथि के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए जो उपवास नहीं रह पाते हैं जिनका स्वास्थ्य सही ना हो वो एक समय फलाहार ग्रहण करें, और इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करें और अगले दिन जा करके सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले उनकी आरती करे और फिर ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान दक्षिणा दे करके फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए इस बार अपरा एकादशी का व्रत जो कि 15 मई 2023 दिन सोमवार को किया जा रहा है एकादशी एक तिथि प्रारंभ समय 14 मई 2023 दिन, दिन रविवार रात्रि दो बजकर सैतालीस मिनट और एकादशी एक तिथि तो की समाप्ति होगी 15 मई 2023 दिन, दिन, दिन सोमवार रात्रि एक, एक बजकर पाँच मिनट पे और इस व्रत का पारण किया जाएगा जो कि 16 मई 2023 दिन मंगलवार को और पारण का जो समय होगा वह समय सुबह छह बजकर सैतालीस मिनट से सुबह आठ बजकर तेरह मिनट तक व्रत का पारण किया जाएगा एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के की बात करना चाहिए हरिवासर में व्रत का पारण नहीं करना चाहिए हरिवासर का समय जो कि द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा यह समय हरिवासर का होता है और इस दौरान व्रत का पारण नहीं करना चाहिए द्वादशी तिथि की समाप्ति जो कि 16 मई 2023 दिन मंगलवार रात्रि ग्यारह बजकर अड़तीस मिनट पे तो जो भी व्रत का पारण करेंगे वह 16 मई को सुबह छह बजकर सैतालीस मिनट से सुबह आठ बजकर तेरह मिनट तक व्रत का पारण करें। एक तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह पाँच बजकर चौदह मिनट और सूर्यास्त शाम छह बजकर पैतीस मिनट राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह छह बजकर तिरपन मिनट से सुबह आठ बजकर चौतीस मिनट तक पंद्रह मई को राहु काल का समय होगा और सोलह मई को दोपहर तीन बजकर पंद्रह मिनट से शाम चार बजकर पचपन मिनट तक राहु काल का समय होगा राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए यह लाभप्रद नहीं होता है तो इस बात का ध्यान रखें जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के दौरान जो कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान न करे शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए ही पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ व्रत को धारण करके भगवान का पूजन करना चाहिए व्रत के लिए अगर मन में अश्रद्धा हो अविश्वास हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए वह व्रत निष्फल ही माना जाता है तो पूर्ण श्रद्धा के साथ ही भगवान का पूजन अर्चन करे तो लाभकारी होगा एक एकादशी तिथि के दिन दूसरे का अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए दूसरे का दिया हुआ नहीं लेना चाहिए विशेषकर इस दिन जल से भरा घड़ा का दान करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा जहाँ तक भी बन सके अभी गर्मी के मौसम में पेय पदार्थ से लेकर के अन्य वस्त्र जो भी बन सके उन चीजों का अवश्य ही दान करना चाहिए अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार विशेषकर अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को जो कि ककड़ी का भोग लगाना चाहिए इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और दूध से बने हुए वस्तु का भगवान को भोग लगाए अभी के मौसम में मिलने वाले ऋतु फल आदि का भगवान को भोग लगाए तो बड़ा ही लाभकारी होगा भगवान विष्णु को जब भी आप भोग लगाते हैं तो उस समय तुलसी दल अवश्य ही उन्हें अर्पित करने चाहिए बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु नैवेद्य को स्वीकार नहीं करते हैं और उनका पूजन भी पूर्ण नहीं हो पाता है तो तुलसी दल भगवान को अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ अपरा एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं, उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं, तो चैनल को लाल बटन दबा करके कर सब्सक्राइब करें साथ में आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे वीडियो को लाइक करें, करे, करे, शेयर करें, सुखी करे, रहें और, और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे, 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 राधे कृष्ण धन्यवाद